Welcome, my dear students, to my channel So Easy Math. My dear students, प्यारे बच्चों, आज अपन sample questions 10th class math olympiad करांगे. Video अच्छी लगी बेटा like जरूर कर देना. These questions are very important for your math olympiad test. चलो अपन start करते हैं. First question is A दे किस मूल लई समीकरण 2x plus y minus 6 बराबर 0 अते 6x माइनस ए वाई बराबर 8 समांतर खावां नूं दर्शाउंदियां हन. फॉर वट वैल्यू ऑफ ए डू द इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरलर लाइनस. पैरलर लाइनस का बेटा अपन फार्मूला पता है की हुंदा, ठीक है, की हुंदा बेटा जी, ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू. ठीक है, ए वन ए टू आर एक्स कोफिशियंट ऑफ एक्स किन्ने बन गए बेटा 2 बाय 6 इज इक्वल टू बी वन बी टू कोफिशियंट्स ऑफ वाई. ठीक है, जिदा कुछ नहीं हुंदा बेटा नाल 1 पा लेना, मीनस 1 बाय माइनस दे ए इज नॉट इक्वल टू सी वन सी टू. बेटा कॉन्सटेंट टर्म जां दोनों 0 दे राइट साइड ते होण जां दोनों लैफ्ट साइड ते. हुण 8 की राइट साइड ते बेटा इन इधर ले आवांगे आपां, माइनस दे 8 बन जाणगे. ठीक है, 6x माइनस ए वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. तो सी वन कि आ गया अपने को माइनस दे 6, सी टू कि अपने को माइनस दे 8. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन चक लो बेटा, ये कैंसल आउट हो गया, 1/3 अपने को आ गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/ माइनस दे ए. इन क्रॉस आउट करो तो ए की वैल्यू कि आ गई बेटा अपने को माइनस दे 3. तो अपनी ऑप्शन कि बेटा जी, ये डी ऑप्शन क्लीयर हो गया बेटा जी. ओवर आंसर इज ऑप्शन डी. नैक्सट क्वेश्चन इज द 9 टर्म ऑफ द ए पी. देखो बेटा ए पी अपन गिवन आ, अंक गणितक लड़ी अपन गिवन आ, आप 9th टर्म फाइंड आउट करनी है. देखो बेटा फर्स्ट टर्म की अपने को ए माइनस दे 7. ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस कड्डो, कि कटते होंने ए टू माइनस ए वन करके. ए टू मीन सैकेंड टर्म कि बेटा अपने को माइनस 11/2 माइनस ए वन मीनस फर्स्ट टर्म माइनस दे 7. ए बन गया माइनस 11/2 माइनस माइनस प्लस 7/1. बटरफ्लाई मैथड ना बेटा सॉल्व कर लो, 11 वन ना किता माइनस 11 प्लस 7 टू ना किता 14. 14 च 11 गए बेटा जी 3, 3/2 ये की आ गया अपने कोल कॉमन डिफरेंस. तो nth टर्म का फॉर्मूला की होंगे बेटा अपने कोल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इस वैल्यूज पुट कर दो, अपने 9th टर्म करनी है, ए 9 इज इक्वल टू ए कि अपने को माइनस 7 प्लस 9 माइनस 1 डी की वैल्यू कि अपने को 3/2. ए बन गया माइनस 7, 9 माइनस 1 8 इंटू 3/2. ठीक है जी, ए कैंसल आउट हो गया, 2 4 8 ए बन गया माइनस 7 प्लस 4 नू 3 ना किता 12. ठीक है बेटा, 12 चो 7 गए कि आ गया अपने को 5. इहदा मतलब 9th टर्म कि आ गया अपने को 5. देखो ऑप्शन केड़ी है, ये डी ऑप्शन क्लीयर हो गया जी. नैक्सट देखो, नैक्सट क्वेश्चन इज दिती गई लड़ी विच क्वेश्चन मार्क की थान पर हेठ लिखिया विचों केड़ी संख्या आवेगी. फाइंड द नंबर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क पाया बेटा इन द गिवन सीकुएंस. मीन जिहड़ी सीकुएंस गिवन आ ये तो नैक्सट टर्म अपने फाइंड आउट करनी है. सब तो पहले बेटा पैटर्न देखते हैं की बनया होया. ये पैटर्न है देखो, 65 दे विचों अपा 1 माइनस करांगे तो कितना बन गया अपने को 66, सॉरी प्लस 1 करांगे तो कितना आ गया 66. फिर 66 दे विचों अपने माइनस 1 करता तो कितना बन गया अपने को 65. ठीक है, फिर 65 दे विच बेटा अपने देखो 4 ऐड करते प्लस 4 कितना बन गया अपने को 69. ठीक है, उस तो बाद देखो बेटा 69 दे विचों अपने 8 माइनस करते, मैं नाल दिन दस दी फिर पैटर्न की बनेगा, तो कितना बन गया अपने को बेटा जी 61. ठीक है जी, फिर देखो 61 दे विच अपने 9 प्लस करते, ठीक है 9 प्लस करते तो कितना बन गया अपने को 70. ठीक है जी, फिर बेटा अपने 70 दे विचों 27 माइनस करते, ठीक है माइनस 27 करते तो कितना बन गया अपने को 43. ठीक है,
43 दे विच अपन ने 16 ऐड करते, ठीक है, तो कितना बन गया अपने कोल 59। हुण अपने देखना 59 दे विच किन्ने माइनस करिए भी अपने कोल की आंसर आवे। देखो बेटा बिल्कुल क्लीयर आ, पहला वन ऐड किया, वन नू वन नाल मल्टीप्लाई करो, वन ओहो नंबर अपने चो माइनस करता। फिर बेटा देखो 4 ऐड होए हुए ने, 4 नू 2 नाल मल्टीप्लाई करो, 8 बेटा की करते सबट्रैक्ट। अगले स्टैप दे विच 9 प्लस होए हुए ने, ठीक है, जिवें 8 बनया 4 नू 2 नाल करके 9 आ, 9 इंटू 3, ठीक है, 27 उहदे विचों आपां ने माइनस करती, 43 आ गया। उस तो बाद देखो 16 ऐड करते, हुण की आऊगा 16 इंटू 4 मीन 64, एदे विचों की होणगे माइनस, ठीक है जी। हुण 59 दे विचों तू 64 माइनस कर दो, 59 माइनस 64 तो किन्ने रह गए अपने कोल माइनस दे 5। क्लीयर हो गया बेटा जी, तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन देखो बेटा, विकास 250 मीटर पछम वल अते फिर 600 मीटर दक्षण वल जाता है, आरंभिक बिंदु तो उसकी दूरी पता करो। विकास वॉक्स 250 मीटर टवार्ड वैसट एंड दैन 600 मीटर टवार्ड साउथ, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो डिस्टेंस अपने फाइंड आउट करनी है। मैं डायरेक्शन शो कर दी बेटा, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट, ठीक है जी। पहला देखो विकास किधर जाता है, 250 मीटर टवार्ड वैसट, ठीक है, वैसट वल कि जा रहा है 250 मीटर, ठीक है जी। एंड दैन 600 मीटर टवार्ड साउथ, 600 मीटर टवार्ड साउथ, क्लीयर हो गया जी। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो आप ओ मान लीए, ठीक है, इनू ए का नाम दे लीए, इन बी का नाम दे लीए, तो बेटा अपने ओ भी डिस्टेंस ओ फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। ये 90 का एंगल होएगा, एक नू परपेंडिकुलर मान लो, एक नू बेस मान लो, हाइपोटन्यूज थोड़ा ही रहेगा एच, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेटा जी आप हाइपोटन्यूज कैलकुलेट करके ओ भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने को फार्मूला होंगे एच स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। एच कि अपने को बी का स्केयर इज इक्वल टू पी कि अपने को बेटा जी, पी कि मन आप 250 का स्केयर, बेस कि बेटा अपने को 600 का स्केयर, ठीक है। 250 का स्केयर, 250 इंटू 250 कि बन गया अपने को बेटा जी 6,2500, ठीक है जी। 600 इंटू 600 कि बन गया अपने को 360,000, क्लीयर हो गया जी। इनू एडअप कर दो, एडअप करके कि बन गया अपने को 422500, ठीक है। अपने को देखो बेटा हुण अपने ओ बी फाइंड आउट करना, ओ बी का स्क्वायर अपने को देखो 422,500 किहदा स्क्वायर बनता है, ये बनता बेटा अपने को 650, 650 का स्क्वायर बनता है, ठीक है जी। यदा मतलब ओ बी आ, ओ बी कि आजगा अपने को 650 मीटर, क्लीयर हो गया जी। अपना ऑप्शन देखो कि बनूगी ये ए ऑप्शन, क्लीयर हो गया। नैक्सट क्वेश्चन देखो बेटा, समीकरण जोड़े एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 2 का हल होगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, अपन देखना बेटा की हल होएगा, वन सोल्यूशनस इन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशनस, टू सोल्यूशन या नो सोल्यूशनस। देखो बेटा जो तो ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, देखो एक्स माइनस एक्स वाई माइनस दे वाई ओरिजन ओ, ठीक है। हुण एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 5 मीनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस 2, एक्स कि बन गया बेटा अपने को 7। आप दोनों लाइनस ड्रा करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 7, चलो 1 2 3 4 5 6 7, एक्स इज इक्वल टू 7 बेटा ए लाइन होएगी, ठीक है। ये है अपने को एक्स इज इक्वल टू 7 जी पैरेलल टू वाई एक्सिस आ, वाई इज इक्वल टू 2 मीनस 1 2 लाइक दिस, ए लाइन केड़ी है अपने को वाई इज इक्वल टू 2। हुण दोनों लाइनस बेटा किसी ना किसी पॉइंट ते आपस च कटनगियां, कितें कटनगियां जिथे एक्स किन्ना होगा 7, वाई किन्ना होएगा 2,
ठीक है, एक बिंदु ते कट गई हाँ, मीनस किन्ने हल होंगे ये एक हल, वन सोल्यूशन। क्लीयर हो गया जी। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नैक्सट देखो जी, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर। दसना बेटा जी दो घाती बहुपद अपन दिती हुई है वो जीरोज के साइन की ने, मीनस जो एक्स के आंसर आते होंगे सॉल्व करके वो साइन की होंगे, बोथ पॉजिटिव वन नैगेटिव, बोथ नैगेटिव, बोथ इक्वल। ठीक है जी। देखो बेटा अपनी लोकेशन हैगी है एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 77। पहले बेटा सम कढ़ लो, सम ऑफ जीरोज की फार्मूला हुंदा माइनस बी बाय ए, मीनस माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। कोफिशियंट ऑफ एक्स किन्ना माइनस 47, एक्स स्क्वायर का किन्ना बेटा जी 1, ए किन्ना बन गया अपने को 47, पॉजिटिव का साइन आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाय ए, कॉन्सटेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर 77 बाय 1 किन्ना आ गया 77। हुण देखो बेटा सम आ जिहड़ा जीरोज का वो कि अपने को पॉजिटिव, सम ऑफ जीरोज किन्ना आ गया अपने को पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी की अपने को पॉजिटिव, इट मीनस दोनों जीरोज ने वो की होंगे बेटा जी पॉजिटिव। ठीक है, दोनों जीरोज के साइन की होंगे बेटा जी पॉजिटिव, क्योंकि सम भी पॉजिटिव आया अपने को, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट भी की आया पॉजिटिव, क्योंकि जे एक अपन नैगेटिव ले ली तो प्रोडक्ट बेटा नैगेटिव बन जाएगा। ठीक है, पर नैगेटिव प्रोडक्ट मैनू की चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, दो जीरो का प्रोडक्ट पॉजिटिव कदों हुंदा हुंदा जब दोनों प्लस दे होन जा दोनों माइनस दे। ठीक है, तो बेटा सम की आओ, सम की अपने को पॉजिटिव, परसेंट साइन सी अपने को नैगेटिव। ठीक है, यदा मतलब बेटा दोनों जोड़े जीरोज ने वो की होंगे अपने को पॉजिटिव। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है जी। नैक्सट देखो, 50 और 300 के विचकार किन्नियां संख्यावां 11 नाल भागयोग हन। हाउ मैनी नंबरस आर डिविजिबल बाई 11 बिटवीन 50 और 300। ठीक है, 50 और 300 के विचकार बेटा देखना अपन ने किन्ने नंबरस ने 11 नाल की ने डिविजिबल। टेबल लिखांगे बेटा, देखो 50 तो अगे 55, फिर किन्ना बनेगा बेटा अपने को 66, लास्ट वाला 300 डिविजिबल हैगा 11 ते 9, 299 नो, 298 नो, 297 विच इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, हुण बेटा देखो लास्ट टर्म अपने कोल हैगी है एल, एल किन्नी अपने कोल 297, फर्स्ट टर्म ए किन्नी है 55, कॉमन डिफरेंस डी किन्ना अपने कोल बेटा 11, 11 का फर्क देखो ए टू माइनस ए वन 66 माइनस 55 किन्ना बन गया अपने कोल 11। तो एन अपने फाइंड आउट करनी है। चलो फार्मूला लगाने आप, ए एम का फार्मूला की सी अपने कोल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म मीनस ए एन किन्नी है 297, ए किन्नी अपने कोल 55 प्लस एन माइनस 1, डी किन्नी अपने कोल 11। ठीक है, 297 इधर आके बेटा माइनस दे 55। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला आके इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 11। 297 दे विचों 55 माइनस किते किन्ना आ गया बेटा अपने कोल 242। जिहड़ा 11 आ ओके आ जो बेटा बटियांश इज इक्वल टू एन माइनस 1, इनू डिवाइड कर दो किन्ना आ गया 22 माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएंगे इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू किन्नी आ गई बेटा अपने कोल 23। क्लीयर हो गया जी। देखो केड़ी ऑप्शन बनती है, एन इज इक्वल 23, इट्स ऑप्शन बी। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, जेकर साइन ए का मुल अपन देता 5/13 तो कॉस ए का मुल वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा साइन ए किन्नी वैल्यू है अपने कोल 5/13, अपने को फार्मूला हुंदा हुंदा बेटा जी साइन स्केयर थीटा, मीन साइन स्केयर ए लिख लाँगे प्लस कॉस स्केयर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्केयर ए का की फार्मूला बन जूगा 1 माइनस साइन स्केयर ए। ठीक है जी, 1 माइनस साइन की वैल्यू किन्नी है 5/13 का स्केयर। ठीक है जी, ए बन जू अपने कोल 1 माइनस 5 का स्केयर 25, 13 का स्केयर 169, बटरफ्लाई मैथड लगा लो 169
169 माइनस 25, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, माइनस करो 144 डिवाइडेड बाय 169। 144 की दा स्केयर है बेटा जी 12 दा, 169 की दा 13 दा, 12 बाय 13 दा स्केयर हो गया है। मीन्स कॉस ए, क्योंकि पावर सेम ने तो बेस की होंगे इक्वल, कॉस ए इज इक्वल टू 12 बाय 13, ठीक है जी। देखो केड़ी ऑप्शन बनती है, सी ऑप्शन, क्लियर हो गया जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, तीन संख्या वाली फलक दे उल्ट फलक ते केड़ी संख्या लिखी होवेगी। विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद नंबर 3, ठीक है। अपन देखना बेटा जिते तीन नंबर लिखे हुआ डाइस के उपर और ओपोजिट कि नंबर होएगा। फिगर च देखो बेटा ध्यान न, 2 के नाल 1 भी है 4 भी है, ठीक है। 2 के नाल नाल वाले फेस से बेटा 2 के नाल 1 भी है, 2 के नाल 4 भी है। इधर देखो 2 के नाल 6, 2 के नाल 5, 2 नाल 5 भी है, 2 नाल 6 भी है। इट मीनस कि नंबर आ वो 2 नाल नहीं हो सकता, 3, ठीक है। मीनस बेटा 5, 6 इत्थे हो सकते ने, 3 की होगा 2 दे ओपोजिट, 5, 6, 5 इत्थे, 6 भी इत्थे हो सकता। मीनस 2 दे ओपोजिट 3 होएगा, इधर ही बेटा 2 दे ओपोजिट की होएगा 3, मीनस 3 दे ओपोजिट की आ गया अपने कोल 2, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा बेटा जी, डी ऑप्शन, क्लियर हो गया जी। नैक्सट देखो, ए एक काम नू 10 दिनों विच अते ए अते बी मिल के उस काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, ए इकला इस काम को किन्ने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखो बेटा ए और 10 डेज लगते हैं टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, ए एंड बी टूगैदर फिर दोनों कट्ठे किन्ने दिन लगते हैं, 6 दिन, ठीक है। उस काम को पूरा करने लिए अपने देखना है बी आ उस काम को किन्ने दिनों में पूरा करेगा। तो बेटा सीधे ही है वर्क आप रिवर्स च लें, देखो किन्ना होगा टोटल किन्ना अपने कोल 6 डेज, वर्क किन्ना हो गया 1/6, ठीक है। ए किन्ने दिनों काम पूरा करता है 10 दिनों, उसका काम किन्ना हो गया, ए दा वर्क किन्ना बन गया 1/10, ये टोटल दोनों का वर्क बन गया 1/6, ए कल्ले का वर्क किन्ना बन गया 1/10। इन बेटा सॉल्व कर लो, ठीक है, जो बटरफ्लाई मैथड लगा लो, 6 × 10 = 60, ठीक है। इतने कि आ गया 10 माइनस दे 6, 4/60 कि आ गया 1/15, ठीक है। ए की बन गया बीज वर्क, ए बी का काम बन गया, तो नंबर ऑफ डेज किन्ने बन गए, वर्क का ऑपोजिट कि बन गया बेटा जी 15, मीनस बी नू किन्ने दिन पूरा करेगा वह 15 दिनों के, क्लीयर हो गया बेटा। तो अपना आंसर किन्ना होगा ये ए ऑप्शन। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। थैंक्स बेटा जी।